कटिहार पुलिस ने फर्जी सुरक्षा गार्ड रैकेट के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। ये गार्ड बैंक एटीएम मशीन और कैश वैन में ड्यूटी दिया करते थे। बीते दिनों एक्सिस बैंक के एटीएम में कैश वैन से रुपये डालने के क्रम में एक गार्ड की बंदूक से एक्सीडेंटल फायर हो गई, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया। इस घटना के बाद कटिहार पुलिस ने तफ्तीश के दौरान फर्जी तरीके से बिना वैध लाइसेंस के 4 ऐसे सुरक्षाकर्मी को गिरफ्तार किया है जो न सिर्फ फर्जी सुरक्षा गार्ड कंपनी के गार्ड हैं, बल्कि इनके हथियार भी अवैध और फर्जी लाइसेंस के आधार पर निर्गत की गई है। कटिहार SP जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 प्राइवेट फर्जी सुरक्षा गार्ड की संलिप्तता सामने आई है, जो अपने गार्ड को अवैध लाइसेंस वाले हथियार देकर इनसे बैंक कैश वैन ATM में ड्यूटी करवाते थे। उन्होंने जानकारी देते हुए भी कहा कि एक बड़ा नेटवर्क इसमें संलिप्त है और पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस 4 सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी है। यहाँ नगर थाना अंतर्गत शिव मंदिर चौक के समीप 27 जून को एक फायरिंग की सूचना मिली थी, तो उसका हम लोगों ने जाँच किया, तो जाँच में आया कि जो ATM जो गाड़ी जो ATM में पैसा डालती है वो गाड़ी के गार्ड थे, उनका सेल्फ जो है खुद के द्वारा गोली उनके हाथ में उनकी अपने बंदूक की गोली जो है हाथ में लग गई। इस जांच में जो है कुछ और भी तथ्य जो है जो प्रथम दृष्टिया जो दिखे उसको लेकर के एक हम विशेष टीम का गठन हुआ और उस टीम ने जो है कई उसमें आपत्तिजनक जो चीज़ें जो हैं हम लोग को बरामद हुई। इसमें एक फर्जी सिक्योरिटी गार्ड जो कंपनियां जो चला रही हैं उसका खुलासा हुआ है। जो भी इसमें हैं 4 लोग हैं, उन 4 लोग को जो है हम लोग विधिवत गिरफ्तार किए हैं और 4 का जो राइफल है उसको भी जो है हम लोग विधिवत जब्त किए हैं। ये सभी राइफल जो है इलीगल हैं। इनके पास जो लाइसेंस है आर्म्स का जो लाइसेंस है जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है, इसको इन लोगों ने खुद स्वीकार भी किया है और इनको 12,000 रुपया महीना मिलता है। उसको ले करके इन लोगों ने जैसा कि इन लोगों ने बताया कि आर्म्स और गोली और लाइसेंस ये लोग जो है फर्जी तरीके से बना करके ये लोग उसमें काम करते थे। सर ये लाइसेंस कौन प्रोवाइड करवाते हैं, एजेंसी या खुद से ही लोग बनवाते हैं? ये जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि एजेंसी के द्वारा भी बेसिकली कुछ पैसा इन लोगों के द्वारा दिया जाता है। जैसे एक ने बताया कि मैंने 75,000 रुपये दिया तो इसको जो है आर्म्स भी मिला और जो फर्जी जो लाइसेंस है वो भी मिल गया। तो ये सारा जो है हम लोग जाँच का विषय है उसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी और भी इस जगह पर जो है हम लोग छापामारी इससे संबंधित करेंगे और जो भी एजेंसियां हैं उन पर भी जो है पूरी की पूरी जो है हम लोग जांच कर रहे हैं उनकी संलिप्तता कहां तक है और जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। दो है, एक रियल सिक्योरिटी करके है जिसका कि आई कार्ड 2 लोग के पास है और एक है कमांडो, ये इसका नाम है, इसका हम लोग जांच कर रहे हैं। हमारी टीम जाएगी और विधिवत जो है इनकी जांच करेगी। थैंक यू।